मैं अभी सासाराम क्षेत्र अंतर्गत दहियार गांव में मौजूद हूं और कल देर शाम दो बाइक सवार शादी समारोह से लौट रहे थे। बताया जाता है कि वो कोनार से आ रहे थे और एक शादी समारोह में अटेंड करके और उनको जाना था दरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसौला गांव में, और दोनों बाइक सवार अनियंत्रित होकर रामपुर नहर के पुल के समीप गिर गए। दो को तो बचाया जा सका परंतु दो नौजवानों को नहीं बचाया जा सका। देर शाम होने के कारण और पानी का तेज बहाव होने के कारण शव नहीं मिला है, परंतु आज तड़के सुबह से ही परिजनों के मदद से, गांव वालों के मदद से और सगे संबंधियों के मदद से, देख सकते हैं कि कैमरा में इसको दिखाइए, उनके शव की तलाश जारी है परंतु अभी तक शव नहीं मिला है। दोनों बाइक को कल देर शाम ही निकाला जा चुका है सुरक्षित, और दो नौजवानों को भी निकाला जा चुका है, परंतु दो नौजवान जो दो साथी हैं जो शादी अटेंड करके आ रहे थे, बताया जाता है कि दोनों भुसौला गाँव के थे, उनकी बरामदगी अभी नहीं हुई है। बताया जाता है कि सासाराम मुफस्सिल थाना के पुलिस देर शाम आए थे परंतु आज अभी 9 बजने को है, अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आए हुए हैं। और अंचल अधिकारी का भी जो अधिकार होता है, जो नहर का या पोखरा का जो डूबे होते हैं, उन वो भी अभी तक नहीं आए हुए हैं, लेकिन जो गार्जियन है, जो परिजन है, जो यहाँ का स्थानीय है, उनकी मदद से शव की तलाश की जा रही है। इनको अभी तक से जो गोताखोर के है जो सुविधा इनको नहीं मिल पाई है। क्या मामला था और क्यों अभी तक गोताखोर नहीं मिले हैं और किस तरह से इनके दुर्घटनाग्रस्त बाइक हुई है, हम इनसे बात भी करेंगे। परिजन है, हम बात कर रहे थे कि नौजवान जो लड़के थे कहाँ शादी में गए थे और कहाँ जा रहे थे, कहाँ शादी में गए थे लड़के? कोनार गए थे। कितने लड़के थे? दो लड़के, चार थे, दो कहाँ के? मोटरसाइकिल पर थे, चारों भुसौले के लड़का था। दो मोटरसाइकिल पर थे? जो मोटरसाइकिल था, दोनों मोटरसाइकिल से दो लड़का बच गया, वो निकल गया लोग तैर करके, और दो लड़का तैराक नहीं था जो वो डूब गया। कल शाम कब की घटना है? ये कल 7:30 बजे के करीब है। तो 7:30 बजे करीब कोनार से वापस आ रहे थे शादी से? हाँ, कोनार से अटेंड करके शादी से आ रहा था लोग। शाम 7:30 बजे करीब अपने भुसौला गांव के लिए निकला था, उसमें ये रामपुर पुल के पास उस लोग का क्षतिग्रस्त हो गया, गाड़ी नीचे आ गया, उसी में दोनों डूब गया, दो लड़का डूब गया है, दो लड़का वहाँ से निकल गया है। जो मोटरसाइकिल थी वो कब निकला गया? आज निकला गया है? नहीं, कल ही हम लोग रात ही में निकाले हैं। कोई यहाँ प्रशासन नहीं है, कोई ना तैराक है ना कोई नहीं है, ये खुद से ही हम लोग अपना इसको ये कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। तो अभी 9 बजने वाले हैं और शव की बरामदगी भी नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई इसका कोई मतलब प्रशासन भी कहीं से कोई नहीं है। कितने उम्र के लड़के हैं दोनों? एक लड़का करीब 22-24 साल का है, एक लड़का कितना साल के? बहु 20 साल के करीब। सभी नौजवान हैं? हाँ, दोनों नौजवान लड़का। कहाँ के रहने वाले जो दोनों के साथ? एक लड़का ये भुसौला का ही दोनों है, एक लड़का पैर से विकलांग है। नाम बता सकते? जानते हैं वो रिजवान नाम है एक लड़के का जो विकलांग है, और एक लड़का का नाम बहु दूसर का बाजो दूसरे के नाम पता नहीं है, जो नजदीकी परिजन है वो सब को ढूंढ रहे हैं। नईमुद्दीन नाम है दूसरे का, एक लड़के का नईमुद्दीन, दूसरे का रिजवान नाम है, और दूसरे का नईमुद्दीन का लड़का है, उनके गार्जियन का नाम। क्या घटना हुई थी और कैसे हुआ था, थोड़ा बताइए आप। बाइक से दो लोग आ रहे थे सासाराम के तरफ से और रामपुर पुल के पास नदी में गिर गए, नहर में, और उसके बाद में हम लोग खोजने के लिए हेले हुए हैं, अभी तक कोई मिला नहीं है। दो आदमी बाहर निकल गए हैं, दो आदमी उसी में डूब गए। तो दोनों बाइक सवार गिर गए थे? दोनों को, दो को कब बचाया गया? दो ठो अपने से निकल गए थे वो लोग कल ही। हाँ, कल ही रात में वो लोग अपने से निकल गए थे, दो ठो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों भुसौला के ही रहने वाले हैं। शादी समारोह में गए थे? हाँ। कहाँ गए थे शादी समारोह में? कोनार गए थे, वहाँ से लौट रहे थे जी। तो ये जो डूबे हुए हैं उनका क्या नाम है, बता सकते हैं नाम आप? एक का रिजवान है, रिजवान है, और एक का नाम तो नहीं पता है उसका, एक का नाम रिजवान है जो विकलांग था पैर से। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? भुसौला के रहने वाले हैं दोनों, जो दरहट थाना क्षेत्र में पड़ता है जी। जी, अभी तक आप अभी पानी में गए थे, गोता लगाए थे? हाँ, गए थे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक मदद मिला है कि नहीं मिला? नहीं, अभी आप ही लोग अपने से खोज रहे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? सैयद अंसारी। लगभग कितने लोग आप लोग गोताखोर के बन करके पानी में कूदे हुए हैं आप लोग? 10 लोग हैं लमसम। कितने देर से कूदे हुए हैं? 2 घंटा हो गया। वह घटनास्थल से आप लोग यहाँ पर दहियाड़ पार कर गए? जी जी। कुछ पता नहीं चल पा रहा? कुछ पता नहीं चल पा रहा। प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिले कि नहीं अभी तक? अभी तक कोई मदद नहीं है। अपने से खोज रहे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गरीबन अंसारी। कितने बच्चे हैं इसमें? 2 बच्चे हैं इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? दोनों भुसौला। कितना देर से आप लोग गोताखोर बन के पानी में कूदे हुए हैं आप लोग? 2 घंटा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू। कोई बाहर के प्रशासन या गोताखोरों की मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिला है।
कितने बच्चे लगभग पता चल रहा है कि डूबे हुए हैं इसमें? दो। नाम जानकारी है आपको? नाम एक ठो रिजवान है, निजामुद्दीन। दोनों भुसौला कहाँ के रहने वाले हैं? भुसौला के।